हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि टैली के सॉफ्टवेयर में वाउचर क्रिएशन कैसे करते हैं। उसके पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि वाउचर्स किसे कहते हैं। बेसिकली हम लोग जो जर्नल एंट्रीज करते हैं मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में, उसी को हम लोग वाउचर एंट्री बोलते हैं इन टैली में। बेसिकली यहाँ पे 8 टाइप ऑफ वाउचर्स यूज़ होते हैं, नॉर्मली जो बेसिक डे टू डे लाइफ में हम लोग ट्रांजेक्शन यूज़ करते हैं उसके लिए। यहाँ पे उसके वाउचर्स के शॉर्टकट कीज़ भी दिए गए हैं जो आपको यूज़ करना है वो वाउचर क्रिएशन करने के लिए। उनके पर्टिकुलर शॉर्टकट कीज़ दिए गए हैं, वही यहाँ पे यूज़ होते हैं वाउचर्स क्रिएशन के लिए। तो हम लोग पहले देखेंगे कि वाउचर्स क्या होते हैं और उसके शॉर्टकट कीज़ क्या हैं। पहले तो हम लोग देखेंगे कि कौन सी एंट्रीज जो है वो कौन से वाउचर्स के अंडर आती है और वो वाउचर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट वाउचर है वो है कॉन्ट्रा वाउचर। उसके लिए जो शॉर्टकट कीज यूज़ किया जाता है वो है F4। इन दिस वाउचर एंट्रीज ऑलवेज शो कैश एंड बैंक बैलेंस बोथ साइड, मतलब आपका जो कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट जो रहेगा वो दोनों साइड रहेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹5,000, तो उसका जर्नल एंट्रीज जो है वो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट है, मतलब आपका कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट डेबिट और क्रेडिट दोनों भी साइड यहाँ पे शो होता है, इसलिए ये कॉन्ट्रा वाउचर में इंक्लूडिंग होता है। और सेकेंड एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया हुआ है कैश डिपॉजिट इंटू कैनरा बैंक ₹4,000, तो यहाँ पे कैनरा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश ही आपका एंट्री है, तो कैश और बैंक दोनों भी यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है, बोथ साइड, डेबिट साइड भी है और क्रेडिट साइड भी है। उसके बाद जो आता है सेकेंड वाउचर वो है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर का जो शॉर्टकट कीज़ है वो है F5। ये आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे, तो ये वाउचर के अंदर कैश और बैंक अकाउंट ओनली क्रेडिट साइड में आपको दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है सैलरी पेड ₹10,000 चेक इशूड, मतलब उसका जो जर्नल एंट्रीज है वो है सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये उसका जर्नल एंट्रीज है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट साइड में आया हुआ है, इसलिए ये वाउचर जो है वो बैंक इसलिए ये वाउचर जो है वो पेमेंट वाउचर आएगा। उसके बाद का जो एग्जांपल है वो है वेजेस पेड ₹5,000 इन कैश, उसका जो जर्नल एंट्रीज है वो है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट साइड में आया हुआ है, इसलिए ये वाउचर पेमेंट वाउचर आएगा। कैश या फिर बैंक दोनों में से कोई भी एक अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट साइड में शो होना ज़रूरी है पेमेंट वाउचर के लिए। नेक्स्ट वाउचर जो है वो है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर के लिए शॉर्टकट कीज है F6। ये वाउचर आप आइडेंटिफाई करोगे तो उसके लिए यहाँ पे कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट दोनों में से कुछ भी एक यहाँ पे डेबिट साइड में होना कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल कमीशन रिसीव्ड ₹2,000, यहाँ पे उसका जर्नल एंट्रीज जो है वो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट है, तो कैश अकाउंट जो है वो आपका डेबिट साइड है, इसलिए ये एंट्री जो है वो रिसिप्ट वाउचर में अंडर आएगी। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ₹3,000, तो उसका जर्नल एंट्रीज है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, ये भी रिसिप्ट वाउचर आएगा क्योंकि यहाँ पे डेबिट साइड में जो है वो है बैंक अकाउंट। तो इसी तरह से कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट दोनों में से कोई भी एक अकाउंट डेबिट साइड में रहेगा तो वो रिसिप्ट वाउचर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो वाउचर है वो है जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर के लिए यहाँ पे एंट्री में नो कैश नो बैंक अकाउंट रहता है, दो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में से कहीं पे भी बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट नहीं रहेगा, ऐसी एंट्रीज जो है वो जर्नल वाउचर के अंडर आती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है मशीनरी परचेस फ्रॉम L&T कंपनी ₹8,50,000 ऑन क्रेडिट, तो उसका जर्नल एंट्रीज जो है वो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू L&T कंपनी है, यहाँ पे कैश या फिर बैंक कुछ भी नहीं है डेबिट या फिर क्रेडिट साइड में, इसलिए ये जो वाउचर है वो जर्नल वाउचर आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग रेंट ₹25,000, उसका जर्नल एंट्रीज है रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, तो यहाँ पे भी कैश या फिर बैंक कुछ भी नहीं है, इसलिए ये वाउचर जो आएगा वो आएगा जर्नल वाउचर। उसके बाद नेक्स्ट वाउचर जो है वो है सेल्स वाउचर। उसके लिए शॉर्टकट कीज है F8। सेल्स वाउचर में यहाँ पे सेल्स अकाउंट होना ज़रूरी है क्रेडिट साइड में। फॉर एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड वर्थ ₹30,000 इन कैश, तो यहाँ पे एंट्री जो आएगा वो है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में सेल्स अकाउंट यहाँ पे मेंशन हुआ है, इसलिए ये आएगा सेल्स वाउचर। उसके बाद जो है वो है एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड वर्थ ₹40,000 ऑन क्रेडिट टू PQR,
तो उसका एंट्री है पी क्यू आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट फिर से क्रेडिट साइड में शो हो रहा है, इसलिए ये सेल्स वाउचर आएगा। उसके बाद का जो वाउचर है वो है परचेज वाउचर। परचेज वाउचर के लिए शॉर्टकट कीज़ F9 है। परचेज वाउचर आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो परचेज वाउचर के लिए परचेज अकाउंट एंट्री में होना ज़रूरी है डेबिट साइड में। फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज ₹7,000 इन कैश, तो यहाँ पे एंट्री आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आपके डेबिट साइड में परचेज अकाउंट आ रहा है, इसलिए ये परचेज वाउचर आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है गुड्स परचेज वर्थ ₹60,000 ऑन क्रेडिट टू पी क्यू आर, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू पी क्यू आर ये उसका एंट्री है। तो यहाँ पे ये वाउचर जो है वो भी परचेज वाउचर आएगा, क्योंकि डेबिट साइड में परचेज अकाउंट दिया हुआ है इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट वाउचर जो है वो है क्रेडिट नोट वाउचर। क्रेडिट नोट वाउचर के लिए यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ है Ctrl+F8। ये वाउचर आइडेंटिफाई करने के लिए आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट एंट्री में होना ज़रूरी है डेबिट साइड में। फॉर एग्जाम्पल गुड्स रिटर्न फ्रॉम मिस्टर अजय ₹4,000, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर अजय ये उसका एंट्री है। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट साइड में आया है, इसलिए ये क्रेडिट नोट वाउचर आएगा। एंड लास्ट वाला जो वाउचर है वो है डेबिट नोट वाउचर। उसके लिए जो शॉर्टकट कीज़ यूज़ किया जाता है वो है Ctrl+F9। ये वाउचर आइडेंटिफाई करने के लिए परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट साइड में होना ज़रूरी है एंट्री में। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है गुड्स रिटर्न टू मिस्टर मुकेश ₹4,000, उसका एंट्री जो है वो मिस्टर मुकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो यहाँ पे परचेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, इसलिए ये डेबिट नोट वाउचर आएगा। तो ऐसे टोटल आपको 8 वाउचर्स दिए गए हैं, वो आपको जर्नल एंट्रीज में करना है यहाँ पे। इसी तरह से आप इन वाउचर्स का यूज़ डे टू डे लाइफ के जो ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड करने के लिए कर सकते हो। यही वाउचर्स अगर हम लोग को प्रैक्टिकली क्रिएशन करना है तो उसके आपको टोटल ये 3 शॉर्टकट कीज़ का यूज़ होता है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है कैश। कैश के लिए शॉर्टकट कीज़ हम लोग सी यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है वो है लेजर क्रिएट। लेजर क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट कीज़ है वो है Alt+C। और उसके बाद है चेंज इनवॉइस। चेंज इनवॉइस करना होगा तो हम लोग शॉर्टकट कीज़ यूज़ करते हैं Ctrl+V। अभी हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे यूज होता है। तो हम लोग टैली का फिर स्टार्ट करेंगे। टैली के सॉफ्टवेयर में यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर्स करके यहाँ पे दिया हुआ है, वो आपको ओपन करना है। यहीं पे आपको जो स्क्रीन दिखाई देगा वो आएगा आपका वाउचर्स क्रिएशन का स्क्रीन। यहाँ पे आप सभी वाउचर्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे फर्स्ट वाउचर हमारा था वो है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर के लिए शॉर्टकट कीज़ है F5। तो F5 करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट वाउचर ओपन होता है। तो आपके सामने पेमेंट वाउचर का स्क्रीन ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको सामने वाउचर दिखाई देता है, वो है पेमेंट। उसके बाद यहाँ पे डेट दिखाई देता है राइट हैंड साइड में। डेट के लिए यहाँ पे आप जो भी ट्रांजेक्शन का डेट रहेगा वो चेंज कर सकते हो। उसके लिए शॉर्टकट कीज़ आप यूज़ करते हो F2। F2 शॉर्टकट कीज़ यूज़ करके आप अपना जो भी डेट रहेगा वो डेट यूज़ करके यहाँ पे आप उसका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डेट चेंज किया, उसके बाद आप एंटर करते हो तो यहाँ पे आपको डेबिट साइड दिखाई देता है। डेबिट साइड में जो कोई भी आपका ट्रांजेक्शन रहेगा वो यहाँ पे आपको लेना है। फर्स्ट वाउचर जो है आपका वो है कॉन्ट्रा वाउचर। तो कॉन्ट्रा वाउचर के लिए जो शॉर्टकट कीज़ है वो है F4। तो F4 प्रेस करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर ओपन होता है। उसमें यहाँ पे आपको डेट चेंज करना रहेगा। जो भी ट्रांजेक्शन का डेट रहेगा वो आप डेट चेंज कर सकते हो। उसके लिए जो शॉर्टकट कीज़ है वो है F2, वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आज का डेट हम लोग डालेंगे। डेट चेंज करने के बाद आप एंटर करना है तो यहाँ पे आपके सामने क्रेडिट पहले आता है। क्रेडिट में अगर जो कुछ भी आपका एंट्री है उसमें जो कुछ भी क्रेडिट साइड दिया होगा वो यहाँ पे आपका लेना है। तो क्रेडिट साइड में फर्स्ट जो कॉन्ट्रा वाउचर है उसमें सपोज़ आपका एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो क्रेडिट साइड में आपका जो है बैंक अकाउंट है तो वो यहाँ पे आपको क्रिएट करना होगा। तो बैंक अकाउंट का लेजर क्रिएट करने के लिए आप शॉर्टकट कीज़ यूज़ करोगे बैंक अकाउंट का जो लेजर क्रिएशन है उसके लिए आप शॉर्टकट कीज़ यूज़ करोगे Alt+C। Alt+C करेंगे तो यहाँ पे आपका लेजर का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होता है। तो आपको यहाँ पे लेजर क्रिएट करना है बैंक अकाउंट।
बैंक अकाउंट का अंडर ग्रुप जो है वो लेना है। यहाँ पे बैंक अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, ऐसे आपको बैंक अकाउंट का लेजर क्रिएट करना है। उसका जो कोई भी अमाउंट रहेगा वो यहाँ पे आपको लेना है। उसके बाद आपको एंटर करने के बाद डेबिट साइड आता है, तो डेबिट साइड में जो रहेगा वो लेना है। तो डेबिट साइड में एंट्री में कैश है तो यहाँ पे कैश लेंगे। कैश के लिए जो हमारा शॉर्टकट कीज़ है वो हम लोग सिलेक्ट करेंगे सी, क्योंकि कैश अकाउंट जो है वो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लेजर क्रिएट किया हुआ रहता है, इसलिए सी यूज़ करेंगे। तो उसका कैश का जो लेजर है वो यहाँ पर ओपन होता है, वो हम लेंगे, एंटर करेंगे। और ये जो वाउचर है वो सेव करना है, एक्सेप्ट करके यस करना है, तो ये वाउचर आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाउचर जो है वो है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर के लिए हम लोग शॉर्टकट कीज़ यूज़ करेंगे F5। डेट आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपके सामने डेबिट जो है वो साइड आता है, तो डेबिट साइड अभी पेमेंट वाउचर में सपोज़ आपका एंट्री है सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे डेबिट साइड में आपका सैलरी अकाउंट है। तो सैलरी अकाउंट का लेजर क्रिएट करने के लिए सेम Alt+A यूज़ करेंगे, सैलरी का लेजर क्रिएट करेंगे। उसका अंडर ग्रुप जो है वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो लेंगे। अमाउंट लेंगे उसका 10,000 सपोज रहेगा तो वो लेंगे। क्रेडिट साइड में अगर बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे बैंक अकाउंट हमने जो पहले बनाया है लेजर क्रिएट किया है वही यूज़ करेंगे। इन केस अगर आपका कोई न्यू अकाउंट है, क्यों न्यू लेजर है, तो वो आप क्रिएट कर सकते हो। एक बार लेजर क्रिएट किया होगा तो वो आपको न्यू क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप वही जो पहले क्रिएट किया है वही आपको यूज़ करना है। तो बैंक अकाउंट हमने पहले ही क्रिएट किया हुआ था तो वो यहाँ पे लेंगे, एंटर करना है और सेव करना है। उसके बाद नेक्स्ट वाउचर जो है वो है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर के लिए शॉर्टकट कीज़ है F6। अभी यहाँ पे आपको F6 करने के बाद पहले आता है क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड सपोज़ आपका रिसिप्ट वाउचर का जो एंट्री है वो है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, तो क्रेडिट साइड में कमीशन है तो यहाँ पे Alt+C करके कमीशन क्रिएट करेंगे। ये आपका आएगा इनडायरेक्ट इनकम, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम लेंगे। उसका अमाउंट सपोज 2,000 है तो वो लेंगे। और डेबिट में अगर कैश अकाउंट है तो उसके लिए सी यूज़ करेंगे, तो कैश का लेजर आपके सामने रहेगा, वो लेजर लेना है, एंटर करना है और एक्सेप्ट करना है। ऐसे आप एंट्री कर सकते हो। उसके बाद जो एंट्री है वो है आपका वाउचर आएगा जनरल वाउचर। जनरल वाउचर के लिए हम लोग F7 यूज़ करेंगे। F7 करते ही आपके सामने जनरल वाउचर जो का जो स्क्रीन है वो ओपन होता है। सपोज़ आपका एंट्री जो है वो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू L&T कंपनी। यहाँ पे अभी डेबिट में आपका मशीनरी है तो मशीनरी अकाउंट के लिए उसका लेजर क्रिएशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मशीनरी का लेजर क्रिएट करेंगे Alt+C करके। उसका अंडर ग्रुप जो है वो है फिक्स्ड एसेट्स आएगा, तो फिक्स्ड एसेट्स सिलेक्ट करेंगे। अमाउंट लेना है मशीनरी का, एंटर करना है। क्रेडिट साइड में L&T कंपनी है तो Alt+C करके उसका लेजर क्रिएट करेंगे। अंडर ग्रुप उसका आएगा सन्ड्री क्रेडिटर, तो यहाँ पे वो लेंगे, एंटर करना है और एक्सेप्ट करना है। ऐसे आपका यहाँ पे जनरल वाउचर क्रिएशन होगा। उसके बाद जो वाउचर आता है वो है सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर के लिए एफेट करेंगे। एफेट करेंगे तो यहाँ पे आपका सेल्स वाउचर ओपन होता है, बट यहाँ पे आपका जो स्क्रीन है वो आता है, ये जो स्क्रीन ओपन होता है वो है इन्वेंटरी इनवॉइस वाला स्क्रीन ओपन होता है। लेकिन हम लोग जो जर्नल एंट्रीज करते हैं, वाउचर क्रिएशन करते हैं, वो अकाउंटिंग इनवॉइस का करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को फॉर्मेट चेंज करना पड़ता है इनवॉइस का। तो चेंज इनवॉइस का हम लोग शॉर्टकट कीज यूज़ करेंगे, Ctrl+V करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो इनवॉइस है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट वाला फॉर्मेट जो है इनवॉइस का वो आ जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। डेबिट साइड में हमारा जो सेल्स वाउचर है उसमें एंट्री रहेगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो डेबिट साइड में कैश अकाउंट आता है, तो यहाँ पे डेबिट साइड में कैश अकाउंट लेंगे, एंटर करेंगे। क्रेडिट साइड में जो आता है वो है सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे सेल्स का लेजर क्रिएट करना होगा, तो सेल्स का लेजर क्रिएट करेंगे। सेल्स अकाउंट के अंडर ग्रुप में आएगा वो। ऐसे आप यहाँ पे सेल्स का लेजर क्रिएट करने के बाद एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, और सेल्स वाउचर जो है वो रिकॉर्ड होगा। उसके बाद जो आता है वो है परचेज वाउचर। परचेज वाउचर के लिए शॉर्टकट कीज़ जो है वो है F9।
फिर से यहाँ पे आपके सामने जो फॉर्मेट आता है वो इन्वेंटरी इनवॉइस का आता है। यहाँ पे भी हम लोग को चेंज करना पड़ता है फॉर्मेट, उसके लिए शॉर्टकट कीज यूज़ करेंगे Ctrl+V इनवॉइस चेंज के लिए। फिर यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, परचेज वाउचर में डेबिट साइड में आता है परचेज अकाउंट और क्रेडिट साइड में आता है कैश या फिर बैंक। तो यहाँ पे एंट्री रहेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्रेडिट साइड में यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कैश अकाउंट आता है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड दिया हुआ है तो कैश अकाउंट लेंगे, अमाउंट लेंगे उसका जो कोई भी अमाउंट रहेगा वो। और डेबिट साइड में परचेज अकाउंट आता है तो परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे Alt+C करके। परचेज अकाउंट का लेजर परचेज अकाउंट के अंडर ग्रुप में आता है तो वो सिलेक्ट करना है, एंटर करना है और एंट्री सेव करना है। ऐसे आपका परचेज वाउचर क्रिएशन होगा। उसके बाद जो आता है वो आता है क्रेडिट नोट वाउचर। क्रेडिट नोट वाउचर के लिए शॉर्टकट कीजिए Ctrl+F8। यहाँ पे Ctrl+F8 करेंगे तो आपका क्रेडिट नोट वाउचर ओपन होता है। क्रेडिट नोट वाउचर के लिए जो आपका एंट्री आता है वो है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर अजय या फिर जो कोई भी सन्ड्री डेटर्स रहेगा उसका नाम पर्सन का आता है। तो यहाँ पे हम लोग वही एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे पहले क्रेडिट सेट दिया हुआ है तो पर्सन का जो नाम रहेगा, सपोज़ यहाँ पे मिस्टर अजय है तो Alt+C करके उसका लेजर क्रिएट करेंगे। सन्ड्री डेटर्स आएगा ये अंडर ग्रुप, वो सिलेक्ट करना है। क्रेडिट साइड में उसका जो अमाउंट है वो लेना है। एंटर करने के बाद डेबिट साइड में आता है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न का लेजर क्रिएट करना है यहाँ पे। अंडर ग्रुप उसका सेल्स अकाउंट आएगा, वो लेंगे, एंटर करेंगे। ऐसे आप लोग यहाँ पे क्रेडिट नोट वाउचर रिकॉर्ड कर सकते हो। सेल्स रिटर्न का जो कोई भी एंट्री रहेगा वो हम लोग क्रेडिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंटर करना है और एक्सेप्ट करना है। और उसके बाद जो लास्ट वाउचर जो है वो है डेबिट नोट वाउचर, तो उसके लिए शॉर्टकट कीज जो है वो Ctrl+F9। डेबिट नोट वाउचर के लिए एंट्री जो आता है वो डेबिट में नेम ऑफ पर्सन आता है जिसको हम लोग परचेज रिटर्न करते हैं वो, और क्रेडिट साइड में आता है परचेज रिटर्न। तो यहाँ पे डेबिट साइड में हम लोग जो कोई भी लेजर क्रिएट करेंगे वो सन्ड्री क्रिएटर का लेजर क्रिएट करेंगे। सपोज टू यहाँ पे मुकेश लिया, ये आएगा सन्ड्री क्रिएटर। एंटर करना है, एक्सेप्ट करना है। अमाउंट जो है वो लेना है 4000। क्रेडिट साइड में जो लेजर आता है वो है परचेज रिटर्न, तो वो लेजर क्रिएट करेंगे परचेज अकाउंट का। अंडर ग्रुप जो आएगा वो आएगा परचेज अकाउंट। ऐसे आप लोग परचेज रिटर्न का जो एंट्री रहेगा, जो ट्रांजेक्शन रहेगा, वो यहाँ पे डेबिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हो। इस तरह से टोटल 8 वाउचर्स हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करके उसका जर्नल एंट्रीज हम लोग टैली के सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड कर सकते हैं वाउचर क्रिएशन के यूज़ करके।